हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में रिवीजन में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो सेक्शन ई में से एक सम किया था, आज हम उसी सेक्शन ई का रिवीजन करेंगे। बट हम एक और सम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके और आप इसी के जैसे जो सिमिलर सम्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन होम असाइनमेंट पे करने। तो अब हम यहाँ पे इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम सम नंबर 19 करेंगे। तो सम नंबर 19 में हमें दिया हुआ है, टप्पू एंड सोनू आर द पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1:2। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March 2016 वेल्थ वाज एज अंडर एडमिटेड कोहली एज अ न्यू पार्टनर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000। बैड डेट रिजर्व ऑन डेब्टर्स इज टू बी मेंटेन एट 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। कोहली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट असेट्स ऑफ द न्यू फर्म। गुडविल विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर ऑफ हिज कोहली। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द एंड ऑल्सो डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट सॉल्व किया था, इसी तरह से ये वाला सम भी अभी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने लास्ट देखा, उसकी सबसे मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश इन बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल प्रिपेयर हियर अ जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है लास्ट में, हमें सेक्रीफाइस का जो शेयर है वो हमें दे दिया है, उसके ऊपर से हम यहाँ पे उनका जो दोनों पार्टनर्स उनका सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे हमारा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस के हिसाब से हमने किया। तो टप्पू जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 फ्रॉम हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पे टप्पू ने खाली शेयर बताया, टप्पू का हम सेक्रीफाइस रेशियो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ऑल रेशियो इनटू प्रॉफिट, जो हम सेक्रीफाइस रेशियो है वो। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है इनका 1:2। तो अब यहाँ पे लिखा ओल्ड रेशियो कितना है, 1:3 × 1:3, ये जो उसने सेक्रीफाइस किया वो। तो दैट मीन्स यहाँ पे टप्पू का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया, 1:9। और सोनू का डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 शेयर। तो यहाँ पे सोनू का यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 1/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ऐसा कौन से डिजिट से कि जो दोनों टेबल में आती है वो है 18। तो अब 18 लाने के लिए हम यहाँ पे नीचे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 18 लाने के लिए हम नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी। तो अब यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आएगा, 2:18 एंड 3:18, मतलब कि हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 2:3। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने ये रेशियो फाइंड किया। अब सेक्रीफाइस रेशियो के ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू शेयर फाइंड करते हैं। तो न्यू शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टप्पू का फाइंड करेंगे, टप्पू का ओल्ड शेयर हमने देखा 1/3 एंड उसका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 1/9, ये जो अभी हमने 2/18 किया वो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी हम करेंगे, दैट मीन्स 3 − 1/9, दैट मीन्स कि 2/9। फिर उसके बाद सोनू, तो हमने सोनू का यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/3 और उसका सेक्रीफाइस है 1/6। यहाँ पे सेम इट इज, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4 − 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/6। एंड कोहली, आपको पता ही कि दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस इज कॉल्ड न्यू रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर, दैट मीन्स 1/9 + 1/6। अब यहाँ पे दोनों में इक्वल क्या आएगा, 18, जैसा अभी हमने देखा था। तो 18 लाने के लिए यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी करेंगे एंड नीचे 6 के साथ, अगर 18 लाना तो हम नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 2 + 3/18। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/18। अब इसे यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 18 के लिए हम नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 9/18।
फिर यहाँ पे अगर हमें ये चाहिए तो दैट मीन्स टू, एंड ऊपर भी हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे 4/18। तो हमारे यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 4:18, 4/18, 9/18, 5/18। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे रेशियो क्या है, 4:9:5। इस तरह से यहाँ पे हमारा रेशियो आया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से गुडविल जो है वो हम फाइंड करते हैं गोली के। तो यहाँ पे आपको गोली की, यहाँ पे आपको गुडविल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 54,000। अब गोली का शेयर कितना आएगा, 54,000 × 5/18 अगर हमने किया तो गुडविल का शेयर कितना आ रहा है, 54,000। अब ये 54,000 जो है वो प्रीमियम है, तो वो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो के में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स टप्पू, तो यहाँ पे आएगा 15,000 × 2/5। ये उनका सेक्रीफाइस रेशियो, दैट मीन्स कि 6,000 जो है वो टप्पू को मिलेंगे एंड सोनू, तो यहाँ पे 15,000 × 3/5 = 9,000 जो है वो गोली जो सोनू को मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं, प्रीमियम सबसे पहले कैश, प्रीमियम जो है वो कैश में लेकर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितनी वो प्रीमियम के अमाउंट है 15,000 × 4/goodwill अकाउंट क्रेडिट 15,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। अब इस प्रीमियम के अमाउंट को हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 × यहाँ पे टप्पूस कैपिटल अकाउंट, जो अभी हमने किया डिस्ट्रीब्यूट किया वो टप्पूस कैपिटल अकाउंट, टप्पू को कितना मिल रहा है 6,000 × 2 सोनूस कैपिटल अकाउंट, सोनू को कितना मिल रहा है कैपिटल यहाँ पे 9,000। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या, अब इसकी हम एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले ये जो प्रीमियम है वो कैश में आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 premium for goodwill अकाउंट, तो यहाँ पे कितना प्रीमियम मिला 15,000। अब इस प्रीमियम को हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे टप्पू के कॉलम में कितना आएगा, टप्पू को कितना मिल रहा है 6,000 एंड सोनू को मिल रहा है 9,000। इस तरह से यहाँ पे हमने गुडविल की एंट्री भी कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके बाद के हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी गई, बैड डेट रिजर्व ऑन डेब्टर्स इज टू बी मेंटेन एट 10,000। अब यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व जो है ना वो ट्रायल बैलेंस में दी गई है, कितनी दी गई, सॉरी बैलेंस शीट में दी गई है 16,000, पर हमें यहाँ पे कितनी मेंटेन करनी है 10,000, मतलब कि कम हो गई। आपको पता ही है कि अगर हमारी लायबिलिटी कम होती तब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जनरल एंट्री करनी होगी तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 × रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 6,000। इस तरह से यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे, और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करेंगे, उसकी क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा 6,000, ये हमने किया। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। अब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ पे हमने लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग 3 lakh, तो अब उसके 10% कितने होंगे 30,000। तो इसकी भी यहाँ पे जनरल एंट्री अगर हमें करनी हो तो क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पे 30,000 × रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 30,000। अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, ये दोनों की अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले लैंड हमने लिखा, कितनी लैंड दी गई है हमें 3 lakh rupees प्लस इंक्रीज, कितना होगा इंक्रीज हमारा यहाँ पे
30,000, दैट मीन्स कि हमारी लैंड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई। और अब डेब्टर्स में से हमें कितने माइनस करने हैं, खाली 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से, डेब्टर्स, डेब्टर्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे 80,000 माइनस बैड डेप रिजर्व हमने लिखी 10,000। तो हमारा यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आएगा, टोटल 70,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की, असेट्स की भी एंट्री कर ली और हमने यहाँ पे ये जो डेप्टर्स है उसकी भी एंट्री की। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो एंट्री की है वो हमने की है मार्केट वैल्यू की यहाँ पे, बट उसकी बुक वैल्यू क्या है, 25% मोर है। अब हमें नहीं पता है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, तो अब हम इसकी बुक वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। सपोज अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, बुक वैल्यू इज 100, देन मार्केट वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू से उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने लिखा 25%। तो कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, 25, दैट मीन्स 125। ये हुई इसकी मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें क्या एग्जैक्ट क्या लिखा, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तब यहाँ पे हमारी बुक वैल्यू सपोज 100 है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 125। तब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने एंट्री की है वो हमारी क्या है, बुक वैल्यू की एंट्री है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से कि इफ मार्केट वैल्यू इज 125 देन बुक वैल्यू इज 100, एंड इफ मार्केट वैल्यू इज 1 लाख रुपीज जो हमने अभी बैलेंस शीट में एंट्री की है, देन बुक वैल्यू इज हाउ मच। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है, तो इस तरह से आएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी आई, 80,000। अब उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, 80,000 बुक वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी थी 1 लाख, और मार्केट वैल्यू हो गई 80,000, मतलब कि ये वैल्यू हमारी क्या हुई, कम हो गई है। तो कितनी कम हुई है वो हम फाइंड करते हैं, 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू, सॉरी 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू 20,000, मतलब कि हमारी वैल्यू जो है वो कितनी कम हो गई है, 20,000 जितनी वैल्यू हमारी कम हो गई। अगर आपको पता है कि हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती है, तो अब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, अगर हमें करनी हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 20,000। इस तरह से अगर हमें इसकी एंट्री करनी हो तो ये होगी। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा टू मशीनरी अकाउंट रुपीज 20,000, एंड बैलेंस शीट में इसकी हम माइनस करेंगे। यहाँ पे मशीन की वैल्यू हमें लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी 1 लाख माइनस डिक्रीज, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 20,000 और आउटर कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अब हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, आपको बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया है, 40,000, अब कम हो रही है, दैट मीन्स कितनी कम हो रही है, 4,000। तो यहाँ पे हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा इसकी जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 4,000। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। अब स्टॉक आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस शीट में इसकी एंट्री कर लेते हैं। पहले स्टॉक 40,000 माइनस डिक्रीज, तो कितना होगा, डिक्रीज 4,000 रुपीज, 10% कम हो रहा है, दैट मीन्स 4,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 36,000। अब इस डिक्रीज की सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा स्टॉक अकाउंट और 4,000 रुपीज। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है गोल। उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द फर्म, एंड गोली विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैपिटल इन कैश। इस तरह से यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, तो ये हमने किया ये सारी जो एंट्री। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल, जो गोली की कैपिटल है, वो हम सब
ये सारी इफेक्ट डाल देंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस शीट जो दी गई है उसे हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड देखें तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमें दी गई है। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीस एंड 3 लाख रुपीस सोनू के। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है वो हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करनी हो तो एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कितना दिया हुआ है 48,000 टू टपूस कैपिटल अकाउंट एंड टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। अब इसे हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स 2:3 में। अगर हम 2:3 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 48,000 को तो यहाँ पे क्या आएगा, 16,000 जो है वो टपू को मिल रहे हैं, 32,000 जो है वो सोनू को मिले। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। तो अब इसकी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टपू को मिल रहे हैं 16,000 एंड सोनू को मिल रहे हैं 32,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमने लिखे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें दी गई है 50,000, ये हमने किया। उसके बाद बैड डेट रिजर्व की एंट्री हमने कर दी है। फिर है गुडविल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी गई हो तो उसे हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे क्या होगी, आपको पता ही है टपूस कैपिटल अकाउंट डेबिट सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब गुडविल के अमाउंट कितनी दी गई है हमें 54,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 54,000। अब इसे हम ओल्ड रेशियो में, मतलब कि 2:3 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर विल गेट 18,000 एंड 36,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की है। तो अब हम यहाँ पे उसके बाद अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा टू गुडविल अकाउंट टपू को मिलेंगे 18,000 एंड सोनू को मिलेंगे 36,000। इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की। उसके बाद हमें दी गई है लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर दी है, मशीन की एंट्री हमने कर दी है, स्टॉक की एंट्री हमने कर दी है, डेप्टर्स की एंट्री भी हमने कर दी है। अब कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट सॉरी कैश अकाउंट जो सेपरेट हम बना रहे उसमें बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट कितनी दी गई है हमें 40,000। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज की। अब हम क्या करते हैं हमारा जो अकाउंट्स है उसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले अगर मैंने क्लोज किया तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 36,000। तो वही सेम हमने डेबिट साइड भी लिखा 36,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट और उनका ओल्ड रेशियो हमें क्या दिया हुआ है 1:2। इस तरह से दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा टप्पू एंड सोनू। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 36,000 में से तो हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा 12,000। तो अब इस 12,000 को अगर हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टप्पू को मिलेंगे 4,000 एंड सोनू को मिलेंगे 8,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री कर। अब इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, टप्पू को मिलेंगे 4,000
एंड सोनू को मिलेंगे 8,000 और गोली का अकाउंट में डैश। अब यहाँ पे गोली की कैपिटल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टप्पू और सोनू की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे टप्पू के कॉलम में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे तो उसका क्रेडिट सेट का टोटल आ रहा है 226,000। अब 226,000 में से हम यहाँ पे हमने यहाँ पे 18,000 माइनस किया तो टप्पू की क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितनी आई है 208,000। तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस बीडी। सेम इट इज सोनू के यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड की तो टोटल आया 3,49,000 और उसमें से हमने 36,000 माइनस किया तो कितना आया 3,39,000। अब ये हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्यों हमने फाइंड किया, क्योंकि क्या लिखा है कि 50% कैपिटल गोली लेके आ रहे तो बाकी की ये दोनों क्या हुई 50% हुई। तो अब हम यहाँ पे किस तरह से कितनी कैपिटल गोली लेके आ रहे हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें नेट असेट्स के 50% जो है वो गोली कैपिटल लेके आ रहे। तो अब हम नेट असेट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बट अब टोटल कैपिटल भी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल किस तरह से, हमारी टोटल कैपिटल कितनी होती है, टप्पू की कैपिटल, सोनू की कैपिटल और गोली की कैपिटल। बट यहाँ पे हमें क्या लिखा है कि गोली की कैपिटल क्या है 50% ऑफ टोटल कैपिटल है, जितनी टोटल कैपिटल में से 50% कैपिटल जो है वो गोली लेके आ रहे तो बाकी के 50% कौन लेके आ रहा होगा हमारे लिए, जो है वो टप्पू एंड सोनू लेके आ रहे होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं टप्पू प्लस सोनू कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ गोली, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि 50% कैपिटल जो है वो गोली लेके आ रहे तो बाकी के 50% टप्पू और सोनू लेके आए। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं टप्पूस कैपिटल प्लस सोनूस कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ गोली। तो यहाँ पे टप्पू की क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल हमने फाइंड की थी 2,08,000, गोली की सोनू की थी 3,13,000। तो हमारा टोटल कितना हुआ 5,21,000। मीन्स गोली कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 5,21,000। तो अब इसकी हमें जनरल एंट्री करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जनरल एंट्री इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है जनरल एंट्री में कि कैश अकाउंट डेबिट 5,21,000 टू गोलीस कैपिटल अकाउंट 5,21,000। और उसके बाद लास्ट एंट्री यहाँ पे कौन सी होगी, जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट फाइंड किया और उसके ऊपर से जो दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आया वो। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू टपूस कैपिटल अकाउंट एंड टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। अब टप्पू को हमने प्रॉफिट में से दिया था 4,000 और सोनू को मिला था 8,000। तो यहाँ पे ये सारी जनरल एंट्रीज कर दी। अब ये जो कैश कैब लेके आ रहा है जो भी गोली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गोलीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी है 5,21,000 और गोली के अकाउंट में हम यहाँ पे कैपिटल्स अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट कितना आएगा 5,21,000। गोली का अकाउंट यहाँ पे हमने क्लोज किया तो कितना आया 5,21,000 और हमारे क्लोजिंग बैलेंस है 5,21,000। और इस क्लोजिंग बैलेंस की हम एंट्री कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल, टप्पू की कैपिटल हमारी है 2,00,000 रुपीस और सोनू की कैपिटल हमें यहाँ पे दी गई है, टप्पू की कैपिटल हुई 2,08,000, सोनू की कैपिटल हुई हमारी 3,13,000 एंड गोली की कैपिटल हमारी यहाँ पे आई 5,21,000। तो हमारा कैपिटल का टोटल कितना आएगा यहाँ पे 10,42,000। अब हम यहाँ पे ये जो गुडविल का जो हमने कैश अकाउंट था उसे उसके उस अकाउंट को भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे क्लोज किया तो टोटल कितना आया 5,76,000। सेम इट इज 5,76,000 और इसको यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस बी डी
5,76,000। और इस कैश एंड बैलेंस की एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में। असेट्स की साइड कैश अकाउंट 5,76,000। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल हमारा करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे आएगा 10,92,000 लायबिलिटी साइड का। और असेट साइड का भी अगर हम यहाँ पे हमारा टोटल करने जाएंगे तो हमारा टोटल भी यहाँ पे सेम ही आएगा 10,92,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो सम था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। सो आई होप आप सबको ये जो सम आज हमने किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको इसके जैसे जितने भी सम्स है वो भी आपको करने, और ये जो डिस्प्ले पे आपको ये जो सम दिखाई दे रहा है वो भी आपको सॉल्व करना है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो सेक्शन ई है उसका रिवीजन भी कंप्लीट होता है। और हमारा पूरा जो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन, जो पूरा हमारा FA2 का जितना भी रिवीजन आने वाला था वो सारा रिवीजन हमने कंप्लीट किया है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन सारी चीज़ों की और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। थैंक यू।